हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले मसाले। छोले मसाले बनाने के लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। यहाँ उबले हुए छोले लिए हैं, एक उबला हुआ आलू लिया है, यहाँ छोला मसाला लिया है, चना मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, दो प्याज कटे हुए हैं, दो टमाटर, जीरा और तेज पत्ता। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई पहले से बैठाया हुआ है, इसमें 2 टेबल स्पून हमको सरसों तेल डालने हैं। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है तो इसमें जीरा और तेज पत्ता डाल देंगे। ये प्याज भी डाल के हमको लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए हमारा प्याज लाल हो गया है तो इसमें टमाटर डाल के इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 टी स्पून मिर्च पाउडर और थोड़ी हमको मिर्च डाल के इसमें मसाले को अच्छे से भून लेना है। चारों तरफ से मिक्स करके हमको मसाले को भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड करके मसाले को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी कच्ची पर चली जाए। देखिए मैंने कटोरे में थोड़ी सी पानी ली और इसमें मसाले में डालूंगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं, और मसाले को ढक के हमको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है। देखिए हमारा मसाला पूरी तरह से पक चुका है, पूरा लाल हो गया है, साइड में तेल भी छोड़ रहे हैं, तो मैं इसमें आलू और उबले हुए चने डाल दूंगी। उबले हुए चने को मैं डाल के मिक्स करूंगी। मैंने चना बिना नमक और हल्दी के उबाला है, आप चाहें तो हल्दी और नमक डाल के उबाल सकते हैं। देखिए हमारा चना और आलू अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें मैं गृहस्थी का ये चना मसाला थोड़ा डालूंगी। ये किसी भी मार्केट पे आपको आसानी से मिल जाएगी। डाल के हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा चना मसाला भी मिक्स हो गया तो इसमें मैं ज़रूरत के हिसाब से पानी डालूंगी। मैंने 1 गिलास पानी डाला है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने पानी डाल दिया है। ये कसूरी मेथी है, इसको मैं थोड़ा क्रश करके डालूंगी। इससे हमारे छोले की रेसिपी और ही भी टेस्टी लगेगी। और थोड़ी देर ढक के हमको कम से कम 2 मिनट ढक के हमको इसको पकाना है। देखिए हमारे छोले मसाले बन के रेडी हो गए। मसाले भी अच्छे से पक गए हैं और चना भी ठीक से हो गया है तो इसको मैं एक सर्विंग प्लेट पर गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। देखिए हमारे छोले मसाला की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और कैसे लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।